नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं पशुओं में होने वाली समस्या हीट स्ट्रेस के बारे में, यानी पशु का हांफना, पशु का तेज तेज सांस लेना जैसी समस्याओं में। हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और इसका समाधान क्या है, और पशुओं को हीट स्ट्रेस से कैसे बचाना चाहिए। अगर हीट स्ट्रेस को विस्तार से बताया जाए तो यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, फिर भी कुछ ही पॉइंटों में मैं हीट स्ट्रेस के बारे में ज़रूर बताऊंगा। वैसे तो हीट स्ट्रेस की समस्या लगभग सभी पशुओं में दिखाई देती है, पर अगर नोटिस किया जाए तो यह समस्या भैंस के अंदर और जर्सी गाय के अंदर, जिनका रंग काला होता है, उनके अंदर अधिक देखने को मिलती है। और इसका मुख्य कारण यह है कि सूरज की रोशनी काले रंग को एब्जॉर्ब अधिक करती है, जिस कारण से काला रंग हीट हो जाता है, जिससे कि गर्मी अधिक लगने लगती है। उसी तरह अगर हम भी काले रंग के कपड़े पहनकर अगर सूरज की रोशनी में आते हैं तो और कपड़ों की अपेक्षा काले रंग में गर्मी हमें अधिक लगती है। इसलिए भैंस की चमड़ी का रंग काला होने के कारण उसे उसमें तापमान को अधिक सहना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि हीट स्ट्रेस में पशुओं को क्या क्या समस्या होती है और इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पशु के ऊपर उच्च परिवेशीय तापमान आ रहा है, यानी हाई टेम्परेचर पशु के ऊपर आ रहा है, जिस कारण से पहला पॉइंट देखा जाए तो पशु हांफता है, जिसके कारण पशु के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा देखा जाए तो पशु में खाने में कमी हो जाती है, यानी पशु चारा पानी कम कर देता है। तीसरी देखा जाए तो जुगाली में कमी आ जाती है, और चौथी लार नीचे गिरने लगती है। लार नीचे गिरने के कारण रूमन में लार की कमी हो जाती है, और लार की कमी के कारण पशुओं में रूमन का पीएच डाउन हो जाता है, जिससे रूमन संबंधित या पीएच संबंधित समस्या बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ पशु में दूध की मात्रा में भी कमी आ जाती है। अब बात करते हैं हीट स्ट्रेस के मुख्य लक्षण के बारे में। देखा गया है गर्मी के कारण पशु बहुत तेज हांफता है, वहीं पशु का टेम्परेचर निकलता है लेकिन वह बुखार नहीं होता है। हांफने के कारण पशु सुस्त रहता है, चारा नहीं खाता है, जुगाली नहीं करता है, और बॉडी अधिक हीट हो जाने के कारण पशु बेहोशी जैसी अवस्था में भी पहुँच जाता है। वहीं इसके समाधान की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ बात नोटिस करनी चाहिए। अगर हमारा पशु एक ही दिन हांफता है और बुखार निकलता है तो वहाँ पर सिर्फ बुखार का ही समाधान करें, यानी बुखार का ही ट्रीटमेंट करें। अगर पशु हर दिन हांफता है और बुखार निकलता है तो वहाँ पर बुखार का ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें, सिर्फ हीट स्ट्रेस का ट्रीटमेंट करें। वहीं इलाज की बात करें तो पशु चिकित्सक वहाँ पर इंजेक्शन DCR 2.5 ग्राम से 5 ग्राम IM लगाते हैं, वहीं इंजेक्शन प्रेडनिसोलेन 5 ml से 10 ml IM लगाते हैं, लेकिन वह इसे गर्भावस्था में नहीं लगाते हैं। याद रहे कि प्रेडनिसोलेन गर्भावस्था में ना लगाएं। वहीं इंजेक्शन एविल 10 ml IM लगाते हैं, और इंजेक्शन टोनोफॉस्फेन 15 ml IM लगाते हैं, और इंजेक्शन विटामिन ए 10 ml IM लगाते हैं। अगर विटामिन ए वहाँ पर नहीं लगाते हैं तो इंजेक्शन विटामिन सी 20 ml IM लगाते हैं। अगर पशु ज़्यादा हांफता है या पशु ज़्यादा हांफने की स्थिति में आ जाता है तो वहाँ पर ड्रिप लगाएं, और वहाँ पर ड्रिप में इंजेक्शन डेक्सरोज 4 लीटर से 5 लीटर IV लगाएं, और इसी में इंजेक्शन सीस्योर 20 ml से 40 ml IV लगाएं। पशु का हीट स्ट्रेस दूर करने के लिए पशु को नियमित रूप से नहलाएं और समय अनुसार पानी पिलाते रहें, यानी दिन में 3 से 4 बार पशु को पानी पिलाते रहें। और वहीं पानी में नमक का उपयोग करें, यानी जब पशु पानी पी रहा हो तो वहां पर 50 ग्राम नमक पशु को पानी में डालकर पिलाएं। अगर पशु ज़्यादा हांफता हो तो वहाँ पर पशु के शरीर पर बर्फ़ की मालिश करें और पशु को बर्फ़ भी खिलाएं। हो सके तो पशु चिकित्सक द्वारा वहाँ पर गुदावार में बर्फ़ भी डाला जा सकता है। इसी के साथ साथ
पशु को प्रतिदिन 150 से 250 ग्राम हरा धनिया और पुदीने के पत्ते खिलाएं। इससे पशु की गर्मी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। हो सके तो विटामिन सी के लिए पशु को 100 से 150 ग्राम नींबू खिलाएं या 300 ग्राम नींबू के छिलके पशु को खिलाएं। वहीं ओरल मेडिसिन की बात करें तो वहां पर हीट स्ट्रेस कम करने के लिए दवा विक्रेता के यहां पर पाउडर उपलब्ध होते हैं, जैसे कि पाउडर आइस, पाउडर कूल एनर्जी और पाउडर कूल मैक्स। इसी तरह अच्छी कंपनियों के अच्छी क्वालिटी के पाउडर बाज़ार में उपलब्ध हैं। आप उनमें से किसी एक का चयन करें, क्योंकि यहाँ पर किसी भी कंपनी का प्रचार और प्रसार नहीं हो रहा है। वहीं साथ साथ पशु को हिमालय 50 ग्राम दिन में एक बार खिलाएं और पशु को टैबलेट विटामिन सी 4 टैबलेट से 5 टैबलेट सुबह शाम खिलाएं। और हो सके तो ऐसे लिक्विड का चयन करें जिसमें विटामिन एच और ए के साथ साथ विटामिन सी दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पर SH लिक्विड दिया गया है जिसमें विटामिन सी की मात्रा दी गई है, जो विटामिन सी पशु को हांफने में काफ़ी हद तक कम करती है। इसी की तरह आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें विटामिन सी दिया गया हो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है। केवल पशुपालक को उचित जानकारियाँ दी जा रही है ताकि पशुपालन में बढ़ावा दिया जाए और पशुपालक अपने अनुभवी पशु चिकित्सक द्वारा ही अपने पशु का इलाज कराएं। अब मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।